जी जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है आराम से, आराम से। नर्स बहन जी, नर्स बहन जी। शबनम, तारा ये बहन जी, तारा का सातवां महीना है और इसके आदमी ने आज इस पर फिर से हाथ उठाया। देखो संभाल के इसे अंदर ले चलो, इसकी जांच कर लेते हैं। शबनम, शबनम, शबनम बेटे, क्या हुआ? वो रघु मेरे पास आया था, वो बता रहा था कि वो तारा को ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। ऐसा करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती, इतना भी नहीं सोचते कि ऐसी हालत में औरत पर हाथ उठाने से माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बस बस बेटा, बता मुझे क्या हुआ। आज तारा के आदमी की छुट्टी थी, चाय में ज्यादा मीठे पर भड़क उठा और बस बस अम्मा जी, अब बहुत हो गया, हम सबको कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है उसका आदमी? भाग गया कायर। बस औरत पर मर्दानगी चलती है इनकी। आसिफ भी ऐसे ही करता था। अभी कछुए की तरह मुझे खाना परोसेगी क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे खानदान में बच्चा करने वाली तू पहली औरत है ना, क्यों तू? तू मुझे ये खाना खिलाएगी? देख शबनम, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूं, अगर तेरा दिल और दिमाग एक साथ नहीं होता तो मुझे खाना मत बना के दिया कर, पर तेरे तो समझ में नहीं आती। लगता है अब एक बार तुझे फिर समझाना पड़ेगा कि इस घर में अड़ियो मर्द कौन है। मुझे सहारा मिलने में बहुत देर हो गई, तब तक क्या हुआ खाला? तब तक तो आसिफ मेरा शौहर, जरा मेरी बात सुन, उसने मेरे माँ बनने का ख्वाब ही तोड़ दिया था और मैं फिर हालात अच्छे नहीं, बांझ हो गई। देखा आपने, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी नहीं भरते। जब लड़की पेट से हो तो उस पर हाथ उठाने के क्या नतीजे हो सकते हैं? माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, बच्चेदानी को नुकसान हो सकता है जिससे वो बांझ बन सकती है, और औरत को मानसिक रूप से सदमा हो सकता है। सही जवाब है, जब कोई औरत पेट से हो तो उस पर हाथ उठाने से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है, बच्चेदानी को नुकसान हो सकता है जिससे वो बांझ बन सकती है, और औरत को मानसिक रूप से सदमा भी हो सकता है। बहुत चोटें लगी, सारे शरीर पर जख्म और खून भी बहुत बह चुका है। शबनम, शबनम, हमें तारा को जल्द से जल्द जिला अस्पताल लेके जाना होगा। ठीक है बहन जी, मैं गाड़ी का इंतजाम करती हूँ, आप तारा का ख्याल रखिएगा, जल्दी आना। सब ठीक हो जाएगा तारा, थोड़ी सी हिम्मत रखो। देखो मैं हूँ ना यहाँ पे। Oh
मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं हूँ ना यहाँ पे। और देखो शबनम भी गाड़ी लाने गई है। क्या हुआ बहन जी? हालत बहुत बिगड़ती जा रही है अम्मा जी, लगता है अंदरूनी चोट काफी गहरी है। शबनम आई क्या? अभी तो नहीं आई, पर अम्मा जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तारा को जल्द से जल्द खून चढ़ाने की जरूरत है, और हो सकता है कि प्रसव भी जल्दी करना पड़े। पेट पर चोट लगने के कारण बच्चे की जान को खतरा है। मुझे उसकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं क्यों सहती है इतना सारा जुल्म? शबनम ठीक कहती है, हम सबको कुछ करना चाहिए, ये हिंसा रुकनी ही चाहिए। आप भी मेरी बात से सहमत है ना? तो बताइए, जब औरत पेट से हो तो उससे किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए? एक, शारीरिक या यौन शोषण। दो, घर और खेत खलिहान में ज्यादा काम करवाना। तीन, मानसिक शोषण। सही जवाब है, जब औरत पेट से हो तो उसके साथ शारीरिक या यौन शोषण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर और खेत खलियान में ज्यादा काम भी नहीं करवाना चाहिए, और किसी भी तरह का मानसिक शोषण नहीं करना चाहिए। तारा, 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 देखो सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। क्या हुआ अम्मा जी? खुदा के लिए बोलिए क्या हुआ? तारा, उसका बच्चा। नमस्ते, मैं आपकी रवीना टंडन। देख रहे हैं आप, गर्भ के दौरान औरत पर हाथ उठाने का नतीजा क्या हो सकता है? तारा के साथ क्या हुआ? जब कोई औरत पेट से हो तो उसके साथ किसी भी तरह का अत्याचार, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों माँ और बच्चे के लिए जान का खतरा पैदा कर सकता है। ये हम सबका फर्ज है कि महिलाओं के साथ ऐसा कभी न होने दें और होते जुल्म को हर हाल में रोकें। तारा और उसके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, ये दोबारा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। किसी भी औरत पर हिंसा होते देखे तो हमें उसे तुरंत रोकना चाहिए। ANM या आशा की मदद लेकर हमें सताई हुई औरत की जांच करवानी चाहिए।
अपने आसपास घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए।